सफर सफर करना किसे पसंद नहीं है, फिर वो चाहे बाय रोड हो, बाय ट्रेन या फिर बाय एयर। अब आप इस वीडियो में आए हैं तो जरूर आपने बाय रोड बाय ट्रेन तो ट्रैवल कर ही लिया होगा, और अब बाय फ्लाइट ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। तो चलिए आपके इस ख्वाहिश को पूरा किया जाए और आपको आपकी पहली फ्लाइट ऑनबोर्ड कराई जाए, जो कि सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स का खेल है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने आपकी फ्लाइट टिकट्स ऑलरेडी बुक करा ली होंगी। अब आपको देखना है कि आपकी फ्लाइट कौन से टर्मिनल से है, जो कि आप अपने फ्लाइट के टिकट्स में देख सकते हैं, और आपको उस टर्मिनल पर आ जाना है। यहीं से शुरू होता है फर्स्ट स्टेप, जो कि है पुलिस चेकिंग। एयरपोर्ट के गेट पर पुलिस वाले स्टाफ होंगे, जो कि आपका टिकट देखेंगे और आपका एक कोई भी आईडी प्रूफ देखेंगे। आईडी प्रूफ का नेम एग्जैक्टली टिकट के नेम से मिलना चाहिए, और आईडी प्रूफ पे जो भी फोटोग्राफ है वो आपसे मैच करनी चाहिए। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको अंदर एयरपोर्ट में एंट्री मिल जाएगी। अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे सस्ती फ्लाइट बुक की जाए और इजीली उन पर 2 से 3 हज़ार बचाए जाए, तो कमेंट में आप यस लिख दो, मैं नेक्स्ट वीडियो हाउ टू गेट चीपेस्ट फ्लाइट टिकट्स पे बना दूँगा। ओके, सो जैसे मैंने दिखा, फर्स्ट स्टेप क्लियर, आपका पुलिस वेरिफिकेशन काइंड ऑफ लाइक मेन गेट पे पुलिस वाले रहेंगे, वो आपका टिकट और आपकी आईडी मिलाएंगे कि टिकट पे नेम सेम है और इसके पास आईडी सेम है। उसके बाद आप आ जाओगे आपके एयरपोर्ट के अंदर, जैसे कि मैं खड़ा हूँ अभी। आपको यहाँ से ढूंढना है कि आपकी जो एयरलाइन है, लाइक मेरी इंडिगो है, आपकी विस्तारा हो सकती है, एयर इंडिया हो सकती है, कोई भी हो सकती है। यहाँ पूछो कि इंडिगो का बूथ किस तरफ है, जहाँ से मैं मेरा बोर्डिंग पास ले सकता हूँ। फिर आप ढूंढते ढूंढते वहाँ पे भी इजीली पहुँच जाओगे, जैसे कि हम अभी जा रहे हैं। परफेक्ट। सो जैसा आपने देखा, मैंने चेक इन कराया। चेक इन में आपको आपका बैगेज देना है, और एक बार अपने टिकट पे कंफर्म कर लेना जो भी वेट दिया हो। फॉर डोमेस्टिक मैक्सिमम होता है कि 15 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सो कन्वेयर बेल्ट पे वो मेजर होगा और देन वो आगे पास ऑन हो जाएगा। और फिर उसके बाद वहाँ से आपको आपका टिकट दिखाना है अगेन एंड आपकी आईडी, उसके बाद आपको आपका बोर्डिंग पास मिल जाएगा और आप अपने फ्लाइट के लिए ऑनबोर्ड कर सकते हैं। अब बोर्डिंग पास मिलने के बाद आपको सिक्योरिटी चेकिंग करानी होती है, मीन्स जो आपके पास बैग है आपका, उस बैग में क्या क्या चीज़ है। लाइक आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान तो इसी बैग में रखना है, सो आपके फ़ोन, पावर बैंक वगैरह सब आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्रेस होंगे, ट्रेस में रख के वो स्कैन होंगे एक्सरे मशीन में, और उसके बाद आपको वापस लेना है। सिक्योरिटी चेक के बाद आपके टिकट पे जो भी आपका गेट नंबर हो, जैसे इसमें 42 है, उस गेट नंबर पे जाना है आपको। अब सब कुछ होने के बाद सिक्योरिटी चेकिंग, पास मिल गया अपने को, अब आप आज़ाद परिंदे की तरह घूमो, दुकानें उकानें एक्सप्लोर करो, लॉन्च में जाके बैठो, खाओ पियो और मज़े मारो, और वेट करो अपने फ्लाइट के ऑनबोर्ड होने का। बहुत ज़ोर से भूख लगी थी तो वेंडिंग मशीन से बाखरवाड़ी ले ली। फूड कोर्ट मिलेगा आपको, आप जो चाहे यहाँ से खरीद के खा सकते हो। बारी आती है स्टेप 3 की। अब आपको आपके फ्लाइट के टाइम के हिसाब से आपके गेट पर आ जाना है, जहाँ पे आपका टिकट चेक होगा और आपको अंदर एंट्री दे दी जाएगी। मिस्टर विकास यादव, थैंक यू। अब आप अपने फर्स्ट फ्लाइट में एंटर होने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। फ्लाइट के अंदर आपको एयर होस्टेसेस गाइड कर देंगी कि आपकी सीट्स कहाँ है, फिर आप जाके उस पे आराम से बैठ सकते हैं। बेहद खुशी के मौका हमारे देश के साथ जोड़ सके, प्रस्तुत है आपके लिए इंडिया बाय चेक। कुछ ही समय बाद आपकी फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी और आपको विंडो सीट से कुछ ऐसे नज़ारे देखने मिलेंगे। लगेज बैग जो आपने सबमिट किया था एयरपोर्ट पे एंटर होते ही, वो लेना है। तो आपकी फ्लाइट जब भी उतरेगी, तब आपके फ्लाइट में ही अनाउंसमेंट होगी कि आपका जो लगेज है वो किस कन्वेयर बेल्ट नंबर पर है। उस कन्वेयर बेल्ट नंबर को याद रखना
और जब एयरपोर्ट पे एंट्री करोगे आप फ्लाइट लैंड होने के बाद उस कन्वेयर बेल्ट नंबर पे चले जाना, आपका बैग आपको इजीली वहाँ से मिल जाएगा। फिर आप अपना बैग कलेक्ट करके एयरपोर्ट से बाहर आ सकते हैं और इस तरह से आपने आपकी पहली फ्लाइट जर्नी कंप्लीट कर ली। अब आपकी बारी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो अभी भी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं आप सबको रिप्लाई दूंगा। सो कीप ट्रैवलिंग और चैनल के बाकी वीडियोस को चेकआउट करना ना भूलें।